हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं वीवीए कोड लिखना, और कुछ वीवीए कोड क्यों लिखेंगे हम, एक्सेल में वीवीए कोड इसलिए हम लिखना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस शीट पर हम हैं उसका रो का साइज ऑटोमेटिकली लेटर के हिसाब से जो हम लिखें उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। कॉलम के हिसाब से तो सुना था, रो के हिसाब से कैसे होगा, आइए समझ लेते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए यहां पर मैं अपना नाम लिखता हूं, तो ये सिंपली मैंने अपना नाम लिखा, नाम बहुत छोटा सा है आप देख ही सकते हैं। अब हमें करना क्या है, यहां पर हम अभी शीट नंबर 3 पे हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, और हम चाहते हैं कि इसकी साइज बढ़ जाए, यानी कि ये जो टेक्स्ट हमने लिखा उसकी साइज बढ़ जाए। तो ये साइज ये कुछ इस तरीके से बढ़ेगी। अब ये साइज जब बढ़ेगी तो आप देख सकते हैं कि ये दूसरे तीसरे कॉलम और ये ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक ही में एडजस्ट हो जाए, ये कैसे होगा, तो इसके लिए हमें एक कोड लिखना होगा, वीवीए कोड। तो यहां पर राइट क्लिक कीजिए और यहां से व्यू कोड पे चले जाइए, यहां से जनरल दिखाई पड़ेगा, आप आ जाइए वर्कशीट पर। तो वर्कशीट पर जैसे ही आएंगे तो यहां आपको छोटा सा कोड लिखना है सेल्स, ये देखिए सेल्स डॉट ये लिखा हमने, और फिर आपको लिखना है एंटायर, हम रो की बात कर रहे हैं कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं, तो एंटायर कॉलम डॉट, और फिर क्या करना है आपको यहां लिखना है ऑटोफिट। तो जैसे ऑटोफिट लिखेंगे तो ऑटोफिट तो आ ही रहा है, नीचे आ जाएगा आपको, पिछले वीडियो में तो मैंने बताया था। तो ये हो गया, अब इसको यहां से मिनिमाइज करता हूं और अब बाहर क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैंने बाहर क्लिक किया तो ये देखिए ये रो को ऑटोफिट कर ले रहा है। अब जैसे यहां पर आता हूं, ठीक है, या फिर यहां पर आ जाता हूं, छोटा सा जगह ले लेते हैं, यहां पर बात कर लेता हूं मैं मुजफ्फर। अब यहां पर जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये कॉलम तो ऑटोफिट हो जा रहा है, लेकिन अब क्या रो ऑटोफिट होगा वही देखना है। तो देखिए इसकी साइज मैं बढ़ा रहा हूं, ये देखिए ये साइज मैंने बढ़ाया, ये साइज बढ़ा दिया, अब ये दूसरे तीसरे और इधर उधर होने लगा। तो अभी हमको क्या करना है, सिंपली यहां बाहर क्लिक करना है। तो जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रहा है, यानी रो की भी साइज उसी हिसाब से बढ़ जा रही है, पहले तो सिर्फ कॉलम की होती थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।